अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, जिसको हम कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स भी कहते हैं। ये कंप्यूटर कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 मॉड्यूल्स को कवर करेगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है। इसमें हम कंप्यूटर की बेसिक्स से लेकर स्टेज 0 से इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल के कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन जैसा कि सामने ओपन है, ये मेन स्क्रीन हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज इंस्टॉल्ड है उसका एक ओवरव्यू है, एक यूजर इंटरफेस है, यानी जिस भी यूजर ने इसको हम जो इसको यूज कर रहे हैं तो हमारा और कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन होगा वो इस स्क्रीन से होगा। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। जिस तरह से एक टेबल है, डेस्क मतलब टेबल मेज, और टेबल के ऊपर पड़ी हुई चीजें डेस्कटॉप यानी डेस्क के टॉप पर पड़ी हुई चीजें डेस्कटॉप कहलाती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर जो ये आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये इसके ऊपर मुख्तलिफ फाइल्स एंड फोल्डर्स और एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं और इसी वजह से इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे आपके टीवी को या किसी दूसरी चीज़ को आप ऑन करते हैं। आपने जस्ट पावर बटन को से आपने बटन प्रेस करना है तो आपका ये कंप्यूटर विद इन मिनट और 2 ऑन हो जाएगा और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको छोटी छोटी तस्वीरें नजर आ रही हैं ये आइकॉन्स कहलाती हैं और ये मुख्य किस्म की फाइल्स एंड फोल्डर्स और एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं। यहाँ पर इसका नेम होता है, फाइल का आइकन का जो तस्वीर है पिक्चर के नीचे उसका नेम होगा। आप ये नेम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीखेंगे। अच्छा जी, अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ करना है तो जिस तरह से आम कंप्यूटर को हम बंद करते हैं, एलसीडी मॉनिटर या किसी ऐसी चीज को बंद करते हैं, वैसे कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता। कंप्यूटर को बंद करने का जो इसको जिस नेम से जिस जो नेम लेबल करते हैं उसे कहते हैं शट डाउन करना। कंप्यूटर को हम शट डाउन करते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक टास्क बार होता है। ये टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर एक स्टार्ट बटन होता है। इसको विंडोज बटन भी कहते हैं और स्टार्ट बटन भी कहते हैं। जब आप विंडोज बटन और स्टार्ट बटन पर सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से लिस्ट ओपन होती है। ये लिस्ट डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आपके पास विंडोज 2007 इंस्टॉल्ड है, विंडोज 2010 11 ये वर्जन नहीं है तो फिर ये लिस्ट दूसरी फॉर्म में भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। तो यहां पर आपके पास एक पावर की ऑप्शन होगी। पावर की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, स्लीप मोड, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन शट डाउन की ऑप्शन है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर तमाम फाइल्स फोल्डर्स एप्लीकेशंस को क्लोज करते हुए आपके कंप्यूटर को ऑफ कर देगा। तो इस तरह से आप कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपके सामने डेस्कटॉप ये जो स्क्रीन आने के बाद इसके अंदर इसकी बेसिक लेवल थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें। सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्टार्ट बटन, उसके बाद एक आपके पास सर्च बार होती है। विंडोज 10 11 और जो इससे अपग्रेडेड वर्जन है उनमें ये सर्च बार होती है। यहाँ से आप कंप्यूटर के अंदर यानी इसकी हार्ड ड्राइव में मौजूद डाटे को भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कोई चीज़ सर्च करनी हो तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये टास्क व्यू है, ये आप इससे इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, यानी ये जो टास्क बार है इसका व्यू चेंज किया जा सकता है। उसके बाद ये जो टास्क बार है इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आपने पिन किए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आप पिन करते हैं। इसको PIN इसको प्रोनाउंस करते हैं कि आपने यहाँ पे जैसे ये गूगल क्रोम है, ये
एप्लीकेशन आपने पिन की हुई है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास सबलाइम है, ये भी आपने पिन की हुई है। तो जो भी यहाँ पर मौजूद कोई भी एप्लीकेशन जब आप पिन कर देंगे टास्क बार की तरफ, तो उसका एक आइकन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप सिंपली एक सिंपल सिंगल क्लिक करने से वो चीज़ सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये टेम्परेचर और मौसम का हाल बताता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास हिडन आइकन्स हैं, यहाँ से भी आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी, इंटरनेट सिग्नल्स एंड स्पीकर फोन एंड लैंग्वेज, डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन बार। सो ये था आपके पास मेन स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने से पहले उसको इंस्टॉल करना हमें आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए उसको डाउनलोड करके और फिर उसकी की जो है वो परचेज करके आप एंटर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल हमें ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। एंड थर्ड इज द ऑफलाइन वाया यूएसबी और कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सीडीज या यूएसबी के जरिए परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर शॉप से ला सकते हैं और इसमें अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट वे यही है कि हम कंप्यूटर शॉप से उसको परचेज करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद है, मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मेरा वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। मेरे पास है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो नीचे एक सेटअप की फाइल होगी। आप सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी और यहां से आप यस करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से वो प्रोसेस नेक्स्ट चलता रहेगा। आप यस एक्सेप्ट इस तरह की ऑप्शंस आती रहेंगी, आपने इसको करते चले जाना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब चूंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद इसमें ये पूरा एक पैक होता है। इसमें आप बस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तीनों जो है कम से कम ये तीनों चीजें लाजमी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस, ये भी जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो वो भी साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ही स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के डिफरेंट वर्जन रहे हैं, 2003 था, फिर 2007, 10, 11 एंड सो ऑन। इस तरह के इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तीनों चीजें जो हमने सीखनी है उसमें जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को की फाइल को ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप स्टार्ट बटन में जाएं, क्लिक करें, यहाँ से वर्ड 2013 जो भी आपने इंस्टॉल किया है, 2007 है, 13 है, 11 है, वो आप क्लिक करें तो यहाँ से एक फाइल उसकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आपको बता रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, दूसरे नंबर पे लेटर का एक पैटर्न है, इसी तरह रिपोर्ट का पैटर्न है। अगर आप कोई पैटर्न सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, रेज्यूमे बनाना चाहते हैं यानी सीवी वगैरह, या इस तरह का कोई और काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो पैटर्न सेट करें, सिलेक्ट करें और वो उसी के ऊपर आप एडिटिंग करें और अपना डाटा उसके अंदर एंटर कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह से आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप मेन जो आपके पास स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद एक लिस्ट ओपन होगी, लिस्ट में न्यू में जाएं। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये एक फाइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो फाइल क्रिएट है इसको
बाय डिफॉल्ट न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम आता है इसका, आप इसको रीनेम करके कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं माई फाइल, प्रेस एंटर, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये आ गया माई फाइल। अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। ये डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सिंगल क्लिक का मतलब है आपके माउस के ऊपर दो बटन्स होते हैं, दरमियान में स्क्रोल व्हील भी होता है, कुछ माउस में होता है कुछ नहीं होता। जो आपके माउस के राइट साइड पे बटन है उसे, उस बटन को प्रेस करने को राइट क्लिक कहते हैं। जो माउस पर लेफ्ट साइड पे बटन है उसे हम क्लिक या लेफ्ट क्लिक कहते हैं। अमूमन हम क्लिक ही उसको, इन शॉर्ट जो क्लिक का वर्ड है वो यूज करते हैं। अगर कहा जाए कि इसके ऊपर क्लिक करें, दैट मीन आपने लेफ्ट वाले बटन को ही प्रेस करना है। अगर कहा जाता है राइट क्लिक करें तो दैट मीन आपने राइट वाले बटन को ही प्रेस करना है। अगर डबल क्लिक कहा जाता है तो हमेशा लेफ्ट वाले साइड पर जो बटन है उसको डबल क्लिक करना है, राइट वाली साइड पर डबल क्लिक नहीं करते। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट क्लिक और क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक, ये तीनों चीजें अपने जहन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, ये फाइल ओपन हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की। ये दूसरा तरीका था फाइल क्रिएट एंड ओपन करने का। तीसरा तरीका है कि आपके पास, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल ओपन करें, आप एक स्पेसिफिक फाइल ओपन करना चाहते हैं, यहां से आप फाइल टैब में जाएं, यहां से ओपन की ऑप्शन में जाएं और यहां पर आपके पास रीसेंट फाइल्स आ जाएंगी, यहां से आपके पास कोई पहले वाली आप कोई फाइल ओपन यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे वो चीज मौजूद नहीं है तो यहां से कंप्यूटर में जाएं, अपनी ब्राउज करें यहां से और पूरे आपके पास आपका पाथवे, आपका सोर्स आ जाएगा जिस जगह से आप वो फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं या वहां पर लाना चाहते हैं। यहां से आप अपनी हार्ड ड्राइव के जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल मौजूद है वहां से आप उसको इस ओपन वाले पे क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये था तीसरा मेथड टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फाइल। सपोज मैं ये फाइल माई फाइल के नाम से ओपन करता हूं तो इस तरह का इंटरफेस लेआउट आपके सामने आएगा। अब इस पेज को देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार में यहां पर जैसे कि हमने नाम दिया था माई फाइल, तो वो फाइल का नेम आएगा और नेक्स्ट जो है वो उसकी एक्सटेंशन बताएगा, यानी उसकी टाइप बताएगा कि ये कौन सी फाइल है। जैसे वर्ड है तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आ गया। अगर हम इस टाइटल बार के लेफ्ट टॉप की बात करें तो सबसे पहले वो वर्ड W का साइन, एक आइकन, एक पिक्चर छोटी सी आपको दिखा रहा है जो ये जाहिर कर रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। उसके साथ आपके पास ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी ऑप्शन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी वो तमाम ऑप्शंस, ऐसी वो तमाम कमांड्स जिनको क्विकली आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ कमांड्स यहां पे मौजूद नहीं है, वो आप लाना चाह रहे हैं तो यहां पे एक छोटा सा एरो है, इस एरो पे क्लिक करें तो आपके पास यहां पर मुख्तलिफ कमांड्स मौजूद हैं। इनमें से कोई भी कमांड जब आप चेक करेंगे, यानी जिसके ऊपर टिक लगा होगा उसे चेक कहते हैं और जो टिक नहीं लगा होगा उसे अनचेक कहते हैं। तो ये न्यू, ओपन और सेव के ऊपर चेक है, अंडू और रीडू के ऊपर चेक है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, सेव, अंडू, रीडू, न्यू एंड ओपन एंड दैट इज द सेव। तो ये आपके पास पांचों जो यहाँ पे चेक्ड हैं वो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में पांच ऑप्शन मौजूद है आपके पास। इसके अलावा अगर आप कोई और इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे ईमेल है, इस पर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर ईमेल का आइकन भी आ गया है और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं किसी को अनचेक करता हूँ तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम राइट साइड पे आए तो हमारे पास सबसे पहले हेल्प का यहाँ पे मौजूद है कमांड, उसके साथ ही आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 11 और 13 और इस तरह से हो ना, उनमें जो है ना वो दिया गया है, 2007 में ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये जो आप सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंटरफेस देख रहे हैं,
ये जो ऊपर आपको होम इंसर्ट डिजाइन नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं टैब्स, और नीचे जो है ना इनके रिबन्स और ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये ग्रुप्स हैं होम टैब के। अब यहां पर जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं कि आप इनको हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन्स, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने रिबन्स यानी जो आपके ग्रुप्स एंड रिबन्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। अब इसका फायदा यह है कि जब कभी आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, एडिटिंग के ऊपर इतना काम नहीं करना है, आप फुल स्क्रीन व्यू देखना चाह रहे हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये है आपके पास बेनिफिट टू हाइड द रिबन्स एंड ग्रुप्स। अब अगर आप टैब्स शो करवाना चाह रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन पे जाएं, तो ये आप देख सकते हैं कि टैब्स आ चुके हैं, और अगर आप मुकम्मल तौर पर कमांड्स को भी शो करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट करें और आपके सामने कंप्लीट टैब्स एंड ग्रुप्स आ जाएंगे। इसके साथ ही मिनिमाइज की ऑप्शन है, मिनिमाइज का मतलब यह है कि आपने कुछ काम कर रहे थे एकदम, आपने कोई और कोई टास्क आपने करना है परफॉर्म, तो इसको आप क्लिक करें तो आप मेन स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास जिसको डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना वो टास्क परफॉर्म करें और उसके बाद दोबारा यहाँ पर टास्क बार के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की आपकी फाइल ओपन थी इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने वो फाइल दोबारा आ जाएगी। उसके बाद है कि आप मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, आप अपनी जो विंडो सामने ओपन है इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर मिनिमाइज के साथ रीस्टोर डाउन, इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी विड्थ को और यहाँ से आप इसकी लेंथ को, हाइट को जो है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ कोई और काम करना चाहें तो हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पे, उसको ओपन करके उसको इसी तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज पे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, और साथ ही आपके पास क्लोज है, ये क्लोज क्रॉस क्रॉस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आप जो फाइल आपने इसके अंदर जो चेंज लाए हैं वो सेव करना चाह रहे हैं या नहीं सेव करना चाह रहे हैं। तो अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते डोंट सेव पे करें तो वो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर, ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था और साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में जो यूजर इंटरफेस है उसके बारे में थोड़े से नॉलेज था। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कंप्यूटर के टैब्स और उनके ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आप से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इंटीमेशन आपको मिल सके और हम अपना ये कोर्स मुकम्मल कर सकें। आज तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।